नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 6 जुलाई और टाइम हो रहा है दिन के 12:13 हो रहे हैं। तो आज लाइव मार्केट है और मेरे पास मेल आया था और कई लोगों का कमेंट भी आया कि भाई सर आप पैनी शेयर या ऐसे कुछ शेयर पे वीडियो बनाइए जिसमें हम इन्वेस्ट करके 1-2 साल या 3 साल तक हम भूल जाएं उन शेयर को इन्वेस्ट करके और अच्छे रिटर्न मिल जाए हम लोगों को। तो वैसे ही मैंने एक शेयर चूज़ किया है कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट के पास रखते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको डेफिनेटली मल्टी बैगर बनाएगा। आपको ये मल्टी बैगर बनने को तैयार है शेयर और इसमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना है। बाय करके होल्ड करके पेशेंस रखिए क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी में कोई लॉस नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आज मैंने जो शेयर चूज़ किया है वो है, थोड़ी वीडियो लंबी जाने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको जितना मेरे पे हो सकेगा और डेफिनेटली आज मैं बाय करके होल्ड करके पेशेंस साथ बने रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो शेयर है वो है SG1 लिमिटेड का। तो ये लिमिटेड कंपनी है। पहली बात, ये कंपनी किस में काम करती है, एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अंदर काम कर रही है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की कंपनी है ये, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी का काम है इनका। तो देखते हैं भाई इस कंपनी में अभी क्या अपमूव बाकी है, क्या इसमें अभी भी और बाइंग कर सकते हैं, क्या इसके अंदर लंबे टर्म के लिए इसमें छोड़ा जा सकता है पैसा लगा के, ये हमें कितने रिटर्न दे सकता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो मैं पिछले 15 दिन से इसे देख रहा था कि भाई इस पर वीडियो बनाऊँ, बट मैंने आज फाइनली वीडियो बना ली क्योंकि कई लोगों का मेरे पास मेल पर मैसेज आता है कि सर आप वीडियो बनाइए प्लीज़, ऐसा कोई शेयर दे जिसमें इन्वेस्ट करके हम छोड़ सके। तो ये ओपन होता है SG1 लिमिटेड का, आज ही ओपन होता है 28.25 रुपये, हाई मारता 28.40 रुपये, लो मारता 28.10 रुपये। आज भी 0.50 पैसे की 50% की अप ट्रेंड की तरफ है ये आज भी। तो कंपनी देखिए 11.12 करोड़ की है, कंपनी बहुत बड़ी है और इसका प्रीवियस क्लो था 28.15 रुपये, 30.80 रुपये पे इसका 52 हाई है, 20.65 रुपये। ये देखिए 10 रुपये की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि पिछले 52 के अंदर ना 52 लो इसका 20.65 रुपये है और 52 हाई है 30.80 रुपये। देखिए इस ट्रेड के अंदर ही, ये एवरेज के अंदर, इस 10 रुपये के एवरेज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ये अपने डे बाई डे अब 52 हाई की तरफ भागने को तैयार है। तो कंपनी की मैं वेबसाइट ओपन कर लिए, ये देखिए SG1 NIC लिमिटेड की कंपनी का ओपन कर लिया मैं। देखिए ये हिमाचल प्रदेश में है, संयुक्त उपक्रम के उसमें रूप में काम करती है, हिमाचल प्रदेश से रनिंग है ये। तो ये देखिए अध्यक्ष, यानी कंपनी अच्छे प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी का भी लास्ट ईयर का जो रिजल्ट इन्होंने घोषित किया था अभी, उसमें भी अच्छे रिटर्न दिए इन्होंने और डिविडेंड देती है कंपनी हर साल। तो SG1 के देखिए, अब मैं SG1 का टिकर टेप के साइड पर आ गया हूँ। ये देखिए SG1 के आप देखेंगे कि ये देखिए एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी। देखिए ये प्रॉफिट है कंपनी का 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1600 करोड़, 1600 करोड़, ये देखिए प्रॉफिट है कंपनी, कर्जे में भी मैं प्रॉफिट भी है। EPS भी इसका अच्छा है, EPS हर ईयर ग्रोथ कर रहा है इसका और हर ईयर डिविडेंड दे रही है कंपनी। ये देखिए दोस्तों हर ईयर डिविडेंड दे रही है, यानी कि आप पैसा लगा कर छोड़ दो, शेयर मूव भी नहीं करता, बस आपको एवरी ईयर डिविडेंड दे रही है, 2 रुपये का इनने एवरेज डिविडेंड दे रखा है। ये देखिए आपको 2013 से, यानी कि लास्ट 10 साल से एवरी ईयर डिविडेंड दे रही है, यानी 2 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये, 1 रुपये डिविडेंड दे रही है, यानी कंपनी अच्छी है, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, इन्वेस्टर को नुकसान भी नहीं दे रही है, इन्वेस्टर को हर वक्त प्रॉफिट दे रही है कंपनी, अपने आप को ग्रो भी कर रही है। और जैसे क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है ना बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है, एक्टिव है, क्योंकि जैसे जैसे हिमाचल की तरफ यानी कि हिल स्टेशन की तरफ जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी तो एनर्जी ये प्रोवाइड करने को रेडी है। इनके प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, इनको और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब 2022 के अंदर इनके अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट भी इनके अच्छे आते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करके होल्ड रखिए आपको अपना पैसा। ये देखिए शायद इस वीक के अंदर अपना 52 हाई को तोड़ देगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ओवरव्यू दिखाता हूँ इसमें टिकर टेप के, और भी एनालाइजर क्या बोल रहे हैं इसके बारे में टिकर टेप के अंदर। ये देखिए 100% एनालाइजर हमें बोल रहे हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करके आप होल्ड करिए। इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अंदर FIC भी, DIC सारी कंपनी, यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो भी इस कंपनी को बाय करके होल्ड करके बैठे हुए हैं।
उनको पता है गवर्नमेंट के जैसे भी सेक्टर के इसको मिले, इसमें डेफिनेटली ये अपना यानी मार्केट कैप भी अच्छा है और रैंकिंग भी इसका अच्छा, पीए भी अच्छा है इसका, यानी स्टॉक अच्छा है। निफ्टी के साथ वॉलिटिटी में काम भी करता है, ये रिन्यूबल एनर्जी पर वर्क करता है। देखो मैंने आपको बताया था एनर्जी के ऊपर काम, रिन्यूबल एनर्जी करती है, तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए, पेशेंस साथ होल्ड रखिए। ये देखिए एवरी ईयर ये प्रॉफिट मेकिंग है। तो बॉस वेट मत करिए, आपके पास पैसा है, दो तीन साल के लिए आप छोड़ दिए, तो दो तीन साल के लिए आप छोड़ेंगे तो इसके अंदर आपको अच्छे मूव मिलेंगे और इसके अंदर अच्छी बाइंग मिलेगी आपको। अब मैं इसके चार्ट के अकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ आपको कि चार्ट में इसके क्या बोल रहे हैं। तो चार्ट में देखते हैं, चलो भाई इसका चार्ट क्या बोलता है। ये SJVN का मैंने डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए डेली चार्ट पे इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ चल चुका है। यहाँ पे RSI MACD अभी क्रॉस करेगा, RSI इसका अप ट्रेंड की तरफ तैयार हो चुका है, यानी कि डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहा है। वीकली चार्ट देख लेता हम, तो ये मेरा वीकली चार्ट ओपन हो रहा है इसका। ये देखिए वीकली चार्ट पे भी ये MACD अच्छा चल रहा है इसका, RSI भी अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें बाय करके पेशेंस साथ बने रहेगा। तो जब ये 30 रुपये पार करेगा तो 35 भी अच्छी तरह दिखाएगा। मेरे इन 6 महीने के अंदर इसमें 50 रुपये की अप ट्रेंड है, मेरा एक ही टारगेट है 50 रुपये का, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये 150 तक दिखाएगा शेयर अपना। आप इसमें 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें 150 तक के अप ट्रेंड मिलेंगे इस कंपनी के अंदर, क्योंकि एवरी ईयर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, कंपनी में किसी तरह का नुकसान नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल चल रही है। तो बॉस इसमें बाय करके होल्ड करके पैसे साथ बने रहेंगे तो आपका पैसा एक तो डूबेगा नहीं, आपको चिंता भी लगेगी कि आपका शेयर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। ये ऐसा शेयर है कि ये कछुए वाली चाल पे चल रहा है इस टाइम पे, जिस दिन इसने खरगोश वाली चाल इसने पकड़ ली, क्योंकि इसमें प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कंपनी के अंदर सारे लोग पॉजिटिव व्यू के साथ इसमें बैठे हुए हैं और ये हमारी नज़रों से दूर है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करके होल्ड करिए, पेशेंस के साथ लगे रहिए। मेरा पहला टारगेट 50 रुपये है, वो विद इन 2 महीने के अंदर आ जाएगा, मगर लंबे टर्म के लिए इसमें 150 से ऊपर के अब ट्रेंड है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को लगता है कंपनी जिस तरह से प्रॉफिट दे रही है एवरी ईयर और क्वार्टरली प्रॉफिट दे रही है, तो डेफिनेटली इस कंपनी के अच्छे ग्रो हैं, कंपनी अच्छे अप ट्रेंड की तरफ तैयार है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। मैंने मैनेजमेंट को सुना है तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ है कंपनी को लेने के लिए, कंपनी ग्रो कैसे कराने, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से अग्रेसिव है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करके होल्ड रखे, पेशेंस साथ बने रहेंगे तो आपका पैसा मल्टी बैगर बनने को तैयार है। पैन स्टॉक है, मल्टी बैगर जरूर बनाएगा आपको। मेरे को पहला शेयर ऐसा लगा जो मल्टी बैगर बनने को तैयार बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें बाय करके होल्ड रखिए तो पेशेंस साथ बने रहेंगे तो आपका पैसा मल्टी बैगर बनाकर तैयार होगा। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।